मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत 4,130.27 करोड़ की लागत से 886 ग्रामीण मार्गों एवं 6,208.45 किलोमीटर लंबाई के कार्यों का वर्चुअल शिलान्यास किया तथा प्रधानमंत्री सड़क योजना अंतर्गत 155 करोड़ की लागत से निर्मित 692 ग्रामीण मार्गों एवं 1,923 किलोमीटर लंबाई के रिन्यूअल कार्यों का लोकार्पण किया, जिसका सीधा प्रसारण कलेक्ट्रेट के NIC भवन में किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के 3 जनपद के जिला पंचायत अध्यक्षों से वर्चुअल संवाद किया। उन्होंने जिला पंचायत अध्यक्षों से गांव के जिला पंचायत से होने वाले कार्यों की जानकारी ली तथा निर्देश दिए कि सभी जिला पंचायत अध्यक्ष कार्यों की गुणवत्ता को मौके पर जाकर जाँच करें तथा शासन को अवगत करावें। इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में शुरू की गई थी तथा इस योजना से गांव की सड़क को शहर से जोड़ा जाता है, जिससे ग्रामीण को आने जाने में किसी तरह की समस्याओं का सामना ना करना पड़े तथा ग्रामीण क्षेत्रों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को स्कूल आने जाने में समस्या ना हो। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में गाँवों को शहर से जोड़ा गया है तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना कार्यों को रफ्तार मिली है। इस अवसर पर NIC भवन में जिला पंचायत अध्यक्ष साधना सिंह, विधायक फतेह बहादुर सिंह, संगीता यादव, विपिन सिंह, महेंद्र पाल सिंह, शीतल पांडे, विमलेश पासवान, CDO इंद्रजीत सिंह सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए ग्रामीण विधायक विपिन सिंह ने कहा, ये भी साथ ही जा रहा है। संदेश अभियान में बढ़ के नंबर 1 पे चला है। कार्यक्रम में उपस्थित ग्राम विकास विभाग के कैबिनेट मंत्री हम सब के अभिभावक परमाजी से राजेंद्र प्रताप सिंह मोती सिंह जी, संपर्क मार्गों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त FDR पद्धति से भी जनपद आजमगढ़ एवं रूप में जो का सफलता पूर्वक संपादन किया जा रहा है। जिला पंचायतों की जमीनें और बिल्डिंग्स बहुत अच्छे लोकेशन पे कमर्शियली एडवांटेज, पहले से कॉन्ट्रैक्टर्स को जिला पंचायत में रजिस्टर होना रहता था, लेकिन जब से ई टेंडरिंग लागू की गई है वो उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट करता है, क्योंकि ई टेंडरिंग चालू की गई और इसमें लक्ष्य था कि 500 से ऊपर की आबादी के हैबिटेशन जोड़े जाएंगे, जिसके सापेक्ष 57,162 किलोमीटर सड़कें कम्प्लीट कर ली गई है। इनकी दूरदृष्टि है जिसका परिणाम 4.5 वर्ष देश की आराध्य जनता के सामने है और आराध्य जनता से 6,000 किलोमीटर का टेंडर फ्लोट किया, उसे एग्जीक्यूट किया और उसका एग्रीमेंट किया और रेस्ट 6,000 आज यहाँ पर जिला पंचायत के द्वारा बनाई गई सड़कों और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के आज इस कार्यक्रम में मेरे साथ लखनऊ में उपस्थित प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास के मंत्री श्री राजेंद्र प्रताप सिंह प्रमोदी सिंह जी, पंचायती राज विभाग के मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, विभाग के राज्य मंत्री शिवपेंद्र तिवारी जी, ग्राम्य विकास के राज्य मंत्री श्री आनंद स्वरूप शुक्ला जी,
आज के इस कार्यक्रम में भारत सरकार के मंत्री माननीय जनरल डॉक्टर वीके सिंह जी भी जुड़े हुए हैं। लखनऊ में हमारे साथ में कृषि उत्पादन आयुक्त, साथ साथ पुलिस के ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव, अन्य हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण भी हैं। जनपदों में हमारे माननीय सांसद गण, विधायक गण, जिला पंचायत के सभी माननीय अध्यक्ष गण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। मैं सबसे पहले आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और ग्राम्य विकास विभाग को भी और पंचायती राज विभाग को भी इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सदैव अटल जी की जो संकल्पना थी, जिसे उन्होंने 25 दिसंबर 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के माध्यम से प्रारंभ किया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 500 आबादी के सभी राजस्व गांव और मजदूरों को कनेक्टिविटी से आच्छादित करने के बाद नक्सल प्रभावित उन सभी गांवों को भी जो 250 की आबादी से ऊपर के थे, उन्हें भी सड़क मार्ग से जोड़ने का अद्भुत कार्य तो समय पे किया ही, आज उन्हीं सब कार्यों के यहाँ पर उद्घाटन और लोकार्पण का कार्यक्रम पूरे भव्यता के साथ संपन्न हो रहा है, जिसमें हमारे सभी जिला पंचायत के अध्यक्ष गण, हमारे सभी माननीय सांसद, विधायक गण इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें FDR की एक नई तकनीक को भी जोड़ा गया है। देखिए होता क्या है कि हम लोग उन्हीं लकीर के फकीर बनकर के अक्सर सामाजिक, भौगोलिक और आर्थिक परिस्थितियों को देखे बगैर योजनाओं को कभी कभी बना लेते हैं और उसका परिणाम लोगों को उस योजना का अपेक्षित लाभ नहीं मिल पाता। अगर हम उस क्षेत्र की परिस्थिति को ध्यान में रख करके, क्योंकि कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां खारा पानी होगा, कहीं ऐसी भी जगह होगी जहां पर जमीन पे खारापन होगा, या बहुत सारी जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर जमीन में नमी हमेशा बनी रहती है, लोलैंड की जो भूमि होगी वहां पर, या और भी अन्य परिस्थितियां हो सकती हैं, दलदली भूमि हो सकती है, कहां पर कौन सी तकनीक का उपयोग करके हम लोग अच्छी और टिकाऊ सड़कों को दे सकें, जब उन चीजों को लेने की एक तमन्ना हमारे मन में और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो उसका लाभ आम जनमानस को प्राप्त होता है। और मैं धन्यवाद दूंगा ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग को कि उन्होंने FDR की इस पद्धति को न केवल तमाम अन्य अवरोधों के बावजूद स्वीकार किया, बल्कि उसको पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जौनपुर और आजमगढ़ जनपदों में लागू करते हुए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। यह नई तकनीक दुनिया के तमाम प्रतिष्ठित देशों ने, विकसित देशों ने अपने आप अपनाई है और उत्तर प्रदेश के अंदर इसको लागू करने की एक कवायद कई दिनों से, कई वर्षों से चल रही थी। अंततः ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग ने साहस दिखाया है और आज इससे जुड़ी हुई सड़कों के बारे में भी आज हम यहाँ पर अभी संवाद बनाए हैं। मुझे प्रसन्नता है इस योजना के साथ हम जुड़े हैं। साथ साथ PMGSY की सरकार, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जुड़ी हुई सड़कों के कार्य को भी तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य। हम सब जानते हैं कि सड़क केवल आवागमन के माध्यम ही नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के एक सशक्त माध्यम भी है। दुनिया के अंदर जो भी देश विकसित हैं, जिन्होंने विकास के क्षेत्र में
दुनिया के सामने नए प्रतिमान स्थापित किए हैं, उसके पीछे उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जितना विकसित है वे देश आर्थिक रूप से उतने ही समृद्ध है। और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहां पे लगभग 80% आबादी ग्रामीण पृष्ठभूमि में निवास करती है, उन लोगों के लिए आवागमन के अच्छे मार्ग नहीं होंगे तो स्वाभाविक रूप से हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था कभी सुदृढ़ नहीं हो सकती। और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए अच्छी सड़क और अच्छी कनेक्टिविटी अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह कार्य पीएमजीएसवाई की सड़कों के माध्यम से आज यहाँ पर किया जा रहा है। साथ साथ जिला पंचायत की सड़कों को भी यहाँ पर लोकार्पण और शिलान्यास के साथ जोड़ा जा रहा है। ये मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, जिसमें जिला पंचायत की 537 किलोमीटर लंबाई की सड़कों को हॉट मिक्स प्लांट से बनाया जा रहा है। यानी पहले परंपरागत तरीके से केवल रोलर चला करके सड़कें बनाकर के औपचारिकता निर्वहन कर दी जाती थी। होता क्या था, इधर सड़क बनती थी, उधर से कोई ट्रैक्टर उसमें आ गया तो उसके साथ सड़क उधरती भी दिखाई देती थी और फिर टिप्पणी होती थी कि साहब सड़क बनी खराब हो गया। ऐसा था कि जब हम सामान्य लेपन का कार्य करते थे वो सड़क बन तो जाती थी लेकिन वो टिकाऊ नहीं होती थी, सस्ती होती थी लेकिन टिकाऊ नहीं होती थी। लेकिन जब हॉट मिक्स प्लांट के साथ अब सड़कों के निर्माण का कार्य हो रहा तो उसमें उसके टिकाऊपन पर अब कोई संदेह नहीं होना चाहिए। कार्य कोई हो तो लोगों के दिमाग में बात आनी चाहिए कि हाँ जो कार्य हो रहा है इसमें क्वालिटी भी है और यह सड़क 3 से 5 साल 7 साल आराम से, अब ग्रामीण क्षेत्र में है, आवागमन बहुत ज्यादा नहीं होता है तो ज्यादा लंबे समय तक लोग इसका लाभ ले सकते हैं। और 537 किलोमीटर वो लंबाई के जो सड़क थी उसमें से 509 ऐसे मार्गों का यहाँ पर आज लोकार्पण का कार्यक्रम हो रहा है। एमडीआर से जुड़ी हुई जो सड़कें थी, जो सड़कें भी बनती हैं जौनपुर और आजमगढ़ में, उनके कार्यों का शिलान्यास भी यहाँ पर हो रहा है। पीएमजीएसवाई की 155 करोड़ रुपए की लागत की 1923 किलोमीटर की कुल लंबाई की 692 जो ग्रामीण मार्ग है इनके अप्रूवल कार्य का लोकार्पण भी आज संपन्न हो रहा है। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के 6208 कुल लंबाई के 4130 करोड़ रुपए की 886 ग्रामीण कार्यों के कार्यकाल भी आज यहाँ पर शुभारंभ हो रहा है। मैं इसके लिए आप सभी जो हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष गण हैं, जिला पंचायत के सदस्य गण हैं, माननीय विधायक गण हैं, माननीय सांसद हैं, इन सबको हृदय से बधाई देता हूं। आपकी मेहनत रंग ला रही है, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ता प्रदान करने में योगदान दे रही है, इसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं। और अपने ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग को इसके लिए धन्यवाद भी देता हूं कि उन्होंने इसको पूरी प्रतिबद्धता के साथ इस योजना को आगे बढ़ाने का कार्य किया है। मुझे प्रसन्नता है कि प्रदेश की जिला पंचायतों द्वारा लगभग 14,000 किलोमीटर लंबाई की जो सड़कें थी इनके द्वारा किया गया। इसके अलावा 10,000 लंबाई की खड़ंजा जो मार्ग है उनकी देखरेख भी जिला पंचायतें ग्रामीण क्षेत्र में करती है। और हम सब जानते हैं कि केंद्रीय वित्त आयोग और राज्य वित्त आयोग के द्वारा प्रतिवर्ष जिला पंचायतों को 2,500 करोड़ रुपए प्रदान किए जाते हैं। वर्तमान में जिला पंचायतों के पास लगभग 2,800 करोड़ रुपए मौजूद हैं। स्वाभाविक रूप से इन सब के लिए अच्छी कनेक्टिविटी के लिए इस धनराशि का बेहतर उपयोग होना चाहिए और इस पे सतत निगरानी हमें करनी पड़ेगी, इसकी निरंतर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी। अगर इसे हम व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे तो कोई संदेह नहीं कि हमारी पंचायतें भी, चाहे वह जिला पंचायत हो, क्षेत्र पंचायत हो या जिला या ग्राम पंचायत,
ये थी जन विश्वास की प्रतीक बनी। हमें जन विश्वास की प्रतीक में हर हाल में से बनाना पड़ेगा और इस दिशा में जो प्रयास शासन स्तर पर प्रारंभ किए गए कमिश्नरी स्तर पर एक स्टेट क्वालिटी मॉनिटर तैनात करने की कार्रवाई के संपर्क में मुझे लगता है कि कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखकर कार्य की अंतरता को ध्यान में रखने की कार्य आप सब के ऊपर ये जिम्मेदारी मैं सौंप रहा हूँ कि हम अगर अपने अपने जनपदों में इस जिम्मेदारी को लेकर के एक स्वस्थ आगे बढ़ना तो मुझे लगता है उसका मैसेज आज के दिन में पैसे की कमी नहीं, विकास के लिए पैसे का कोई अभाव नहीं, लेकिन पैसा सही जगह समय पर खर्च हो, हम कार्य के मानक की गुणवत्ता की निरंतर समीक्षा करते रहें, उसका भौतिक सत्यापन करते रहें, इसका लाभ हमें राजनीतिक रूप से तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ आम जनमानस को अपने दैनिक कार्यों के साथ साथ अपने आर्थिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में भी इस क्वालिटी वर्क का भरपूर लाभ मिलेगा। इसका योगदान भी लंबे समय तक करेंगे कि किसके कार्यकाल के समय में ये कार्य हुआ है और उस कार्य का क्या लाभ उसको अपने स्वयं के दिनचर्या और स्वयं के आर्थिक गतिविधियों के साथ जोड़ करके इसे प्राप्त हुआ। मैं इस दृष्टि आप सबसे कुछ बातों के बारे में कहना चाहता हूँ। खासतौर पर देखिए मेरे पास यहाँ पर हर जनपद से अच्छी और बुरी दोनों प्रकार की खबरें आती हैं। जहाँ पर जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं, जो जिला पंचायत में अच्छा काम कर रही है, क्षेत्र पंचायत में अच्छा काम कर रही है, उसकी भी मेरे पास निरंतर चीजें आती रहती है। देखिए हमने सीएम हेल्पलाइन और IGRS पोर्टल बनाया हुआ और मेरे पास हर दिन हर जगह की चीजें आती है। अच्छा काम करने वाले भी लोग उसकी फोटोग्राफी भेजते हैं और साथ साथ वहाँ पर उसके बारे में पोर्टल पर भी बोलते हैं यहाँ अच्छा काम हुआ, लेकिन जहाँ अच्छा काम नहीं हो रहा है वहाँ पर भी इस प्रकार की शिकायतें मेरे पास आती है और उसी का परिणाम है कि हम लोगों ने अभी क्योंकि इनके द्वारा समय पे पेमेंट नहीं किया गया, एक वर्ष से पेमेंट को बंद रखा गया। इसी प्रकार को सस्पेंड करके FIR पहुंच गई, पेमेंट लंबे समय तक रहता है, तो ये चीजें दिखाती है कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। जिले के जो मुख्य विकास अधिकारी हैं और EMA हैं, वे इस बात को सुनिश्चित करें कार्य की समयबद्धता को, समय की कार्य की गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए कॉन्ट्रैक्टर को समय पे इसका भुगतान भी हो, ये जिला पंचायत स्तर पर हम जरूर निगरानी करेंगे। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत भी इन सड़कों के अनुरक्षण का दायित्व संबंधित कॉन्ट्रैक्टर को 5 वर्ष तक करना होता है। जहाँ पर सही समीक्षा होती है वहाँ पर सड़कें अच्छी होती है, लेकिन जहाँ पर नहीं हो पाती वहाँ पर सड़कों में गड्ढे बन जाते हैं और गड्ढा एक बनता उसका दायरा बढ़ता ही जाता है। इसलिए हम समय पर इन चीजों को ध्यान में कि करप्शन के लिए कोई जगह कहीं पे न रहे, अनावश्यक पेमेंट न रोका जाए, कॉन्ट्रैक्टर ने काम कर लिया तो समय में भुगतान हो जाए, कॉन्ट्रैक्टर जब काम कर रहा है उस समय क्वालिटी की जांच की जाए और कहीं भी किसी को बोलने का अवसर इस पर न किया जाए, किसी को भी इसमें हमें कभी भी कोई अवसर इस पर नहीं देना चाहिए। ये मैं आप लोगों से आग्रह करूंगा कि इस पर हम विशेष ध्यान देंगे तो इसका लाभ जरूर प्राप्त होगा। मुझे आज एक विषय पर आप लोगों से चर्चा करनी है जिस पर यहाँ पे ग्राम्य विकास और पंचायती राज विभाग बहुत मजबूती के साथ विचार कर रहा है और वह है
उत्तर प्रदेश में ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बहुत अच्छी योजना विभाग लेके आने वाला, बहुत जल्दी लेके आएगा। विभाग स्तर पर इसमें कार्य भी चलता है, गंभीरता पूर्वक है। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, देखिए अक्सर होता क्या है कि हम लोगों ने अपनी पंचायतों को, चाहे वह ग्राम पंचायत हो, चाहे वह क्षेत्र पंचायत हो या जिला पंचायत हो, इनको स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने का प्रयास किया ही नहीं। हर कार्य के लिए हम सरकार पर निर्भर रहते हैं। कोई अपने यहाँ कोई मॉडल खड़ा करने का प्रयास नहीं हुआ। प्रतिस्पर्धा में हमने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा अपने आप बढ़ाने का प्रयास ही नहीं किया। एक तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि हम लोग अपने यहाँ एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने की कार्रवाई प्रारंभ करें। और स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का मतलब उसको अपनी ग्राम पंचायत को, अपनी क्षेत्र पंचायत को, अपनी जिला पंचायत को, हमारा प्रयास होना चाहिए कि इसको हम आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए क्या कार्य हो सकते हैं। ये हमारे अधिकारीगण होंगे, जिलाधिकारी होंगे, सीडीओ होंगे, ये लोग ग्राम पंचायतों के साथ, क्षेत्र पंचायतों के साथ और जिला पंचायतों के साथ बैठ कर इस दिशा में प्रयास प्रारंभ करें, क्योंकि सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी बहुत बार होता क्या है कि कोई भी कब्जा कर लेता है, इसलिए हमारा ध्यान होना चाहिए कि हम इस पर विशेष ध्यान दें, प्रॉपर्टी को उर्दगुर्द न करने दें, इस पर अवैध कब्जा न होने दें, बल्कि इस प्रॉपर्टी का उपयोग हम कैसे इस बारे में कर सकते हैं कि ये सभी कार्य उस इन सब पर जो कार्य खड़ी हो उसको इस संस्था की इनकम के साथ उसको जोड़ा जा सके, और जो से इनकम हो फिर उसको विकास के साथ जोड़ा जा सके। उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना, बहुत सारी ग्राम पंचायतें होंगी, क्षेत्र पंचायत होंगी, जिला पंचायत होंगी, जिनके माध्यम से बहुत सारी योजनाएं हमारी चलती है। उन योजनाओं के साथ उस गांव के किसी दानदाता को जोड़ना, 50-20 हम सरकारी पैसा देंगे, 50-20 कोई व्यक्ति देगा, और फिर इस योजना को अलग अलग प्रकार की योजनाओं के इसके साथ जोड़ सकते हैं। गांव में सामुदायिक भवन बनना है, जो व्यक्ति 60% कंट्रीब्यूशन है, 50% कंट्रीब्यूशन देता है, एक मॉडल आपके लिए, उस मॉडल विकास में पंचायती राज विभाग यहाँ से तय करेगा, उसमें आधा पैसा होते आधा दे नाम उस काम दे दे माने अपनी किसी परिवार की स्मृति में, या वो स्वयं अपने किसी पूर्वज की स्मृति में बनाना चाहता है, आधा पैसे का कंट्रीब्यूशन दे, हम यहाँ से आधा पैसा देते हैं और वो फोन बंद करके तैयार। इसी प्रकार से गांव में ओपन जिम का निर्माण हो सकता है, आधा पैसा ग्राम पंचायत निधि से हम कर सकते हैं, आधा पैसा इससे कर सकते हैं, या गाँव में ग्रामीण खेल का मैदान बनाने के लिए या स्टेडियम बनाने के लिए भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। गांव में तमाम अन्य योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र में किसी न किसी क्षेत्र पंचायत के दायरे में, किसी न किसी जिला पंचायत के क्षेत्र में आता ही है, इन सभी योजनाओं को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं। और जो अभी हमारी प्रारंभिक इस पे चर्चा चल रही है, इसमें खासतौर पर जिन योजनाओं को हम इसके साथ जोड़ सकते हैं, इसमें चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक और सामुदायिक आंगनबाड़ी है, पुस्तकालय है, ग्रामीण क्षेत्र में ऑडिटोरियम के निर्माण का हो सकता है, यानी स्टेडियम का हो सकता है, व्यायामशाला, ओपन जिम का निर्माण, अपने गांव को स्मार्ट विलेज के रूप में विकसित करने के लिए वहां पर हम सीसीटीवी कैमरे और पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ जोड़ने का कार्य कर सकते हैं, अंत्येष्टि स्थल के निर्माण में इस कार्य को कर सकते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में हम कैसे सीवरेज की प्रणाली और उसको एसटीपी सिस्टम के साथ जोड़ सकते हैं, इसमें मुझे लगता है कि हमें मॉडल अपनानी चाहिए जिसमें जो सस्टेनेबल बन सके। बहुत सारे ऐसे मॉडल देश के अंदर बन चुके हैं और उस मॉडल को आप वहां पे अपना सकते हैं। यात्री शेड का निर्माण कोई कर सकता है, बस स्टेशन का निर्माण कर सकता है, इस सोलर स्ट्रीट लाइट के माध्यम से इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है,
पशु सुधार और पशु यानी पशुओं के नस्ल सुधार के केंद्र के विकास के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन हो सकता है। फायर सर्विस स्टेशन के रूप में लोग कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी आर्टिजन है इनके बारे में कुछ ना कुछ है। ग्रामीण क्षेत्र में गाँव ऐसे नहीं बसा है, हमारे कंपल्सरी बननी ही उनके साथ इसके माध्यम से आगे बढ़ाने के लिए सरकार का सेंटर सकते हैं, पानी गिरा केंद्र का निर्माण कर सकते हैं, चारागाह के विकास में कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं, या फिर ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए रोजगार परक या ग्रामीण क्षेत्र को स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने के लिए इस योजना को लागू कर सकते हैं। और मैं चाहूंगा ग्राम विकास और पंचायती राज विभाग इस क्षेत्र में हमारे त्रिस्तरीय पंचायतों को जोड़ करके इसको अविलंब आगे बढ़ाने की कार्रवाई होनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगली कैबिनेट में इसको ला करके हम इसको लागू करें। और मैं अपील करूंगा कि उत्तर प्रदेश मातृभूमि की इस योजना के साथ हमारी सभी पंचायतें जुड़े, हर जिला पंचायत में, क्षेत्र पंचायत में, ग्रामीण पंचायतों में प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। ग्रामीण पंचायतों को जनपद स्तर पर, क्षेत्र पंचायतों को स्तरीय स्तर पर और जिला पंचायतों को प्रदेश स्तर पर फिर सम्मान की योजना होनी चाहिए। एक स्वस्थ स्पर्धा को आगे बढ़ाते हुए या दूसरा मॉडल यदि ग्राम पंचायतों को क्षेत्र पंचायत स्तर पर, क्षेत्र पंचायतों को जिला जनपद स्तर पर और जिला पंचायतों को प्रदेश स्तर पर हमें प्रतिस्पर्धा करने सम्मान करने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा लाने करके सम्मानित करें। जो हमें यहाँ कोई नया मॉडल और कोई नवाचार इस क्षेत्र में प्रस्तुत करें सम्मानित करना और ध्यान देना डेवलपमेंट की और इस दिशा में अगर हम प्रयास करने के बहुत अच्छा लग सकता है। उत्तर प्रदेश ग्रामीण योजना के क्रियान्वयन की देखी मैं आप सबका आह्वान करूंगा। एक बार फिर से जिला पंचायत और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की ढेर सारी हम आपके चैनल के माध्यम से प्रदेश के एसोसिएशन मुख्यमंत्री पूज्य महाराज श्री को बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे। करीब 6800 किलोमीटर सड़कों का शिलान्यास और लोकार्पण का काम पूज्य महाराज जी द्वारा आज हुआ है। इससे पूरे प्रदेश में जनता को बहुत राहत मिलेगी और पूरे प्रदेश में हर जिले में हमारे जितने भी जनप्रतिनिधि हैं जुड़े हुए थे और निश्चित है जनता में इसका बहुत अच्छा मैसेज जाएगा। अब 3-4 महीने बाद चुनाव में हम लोग जा रहे हैं तो इन कार्यों से हम लोगों को भी बहुत लाभ मिलेगा। हम आपके चैनल के माध्यम से पूज्य महाराज जी को एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई देना चाहेंगे।